अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जना खान। आज रिवायत में मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन अफगानी। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो बोनलेस चिकन, जिसके हमने बड़े बड़े पीस निकलवाए हैं। अब हम इसको बड़े बड़े पीसों को ही सही बनाएंगे चिकन अफगानी। इसके लिए चाहिए 1 चम्मच नमक, चाट मसाला 2 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, चुटकी भर हमने कसूरी मेथी ली है, चुटकी भर हमने लाल मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच हमने काली मिर्च का लिया है जिसको हमने मिक्सी में मोटा मोटा पीस लिया है, दही हम लेंगे 1/2 किलो, इसको हमने 2 जगह डिवाइड किया है, 1 मैरिनेट में डलेगा, 1 करी में डलेगा, बादाम, कोकोनट और 5 मगज का पेस्ट और क्रीम। ये क्रीम हमारी 400 ग्राम है। हमें चिकन के पीसेस लेके इसको बीच में से ऐसे थोड़ा सा हमें कट लगाने हैं अपने पीस में गहरे गहरे। इसको गहरे लगाने से ये होगा, इसमें जो हम मैरिनेशन करेंगे ये गहरे अंदर तक चले जाएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। और एक बाउल लेके हम उसके अंदर ये डाल देंगे, ऐसे ही बारी बारी सारे पीस हम कट लगा लेंगे। अब सबके चिकन को हमने अच्छे से है ना कट लगा दिया है। हमने लहसुन लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, काली मिर्च थोड़ी सी लेंगे, थोड़ी सी ग्रेवी में डालेंगे, चाट मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, दही, मैरिनेशन इसी से होगी हमारी, अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने मैरिनेट कर लिया है, अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। अब हमारा चिकन 1/2 घंटे से मैरिनेट हो रहा था, अब हमारा चिकन फ्राई करने के लिए तैयार है। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा पैन गर्म होगा, हम है थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ऑयल लगाना है। हमारा पैन अब गर्म हो चुका है, हमने इसकी फ्लेम स्लो कर दी है बिल्कुल। थोड़ा सा हम घी डालेंगे, ये हमारा देसी घी है, आप चाहें तो बटर ले सकते हैं। बस हमें अपने पैन को थोड़ा चिकना करना है और कुछ नहीं करना, बहुत ही थोड़ा ही लेंगे हम घी और स्लो फ्लेम पे करना है हमें। हमारा घी गरम हो गया है, इसकी फ्लेम अभी भी स्लो है। हम अपना चिकन का स्लो फ्लेम पे हमने दोनों ब्रेस्ट पीस पैन में डाल दिए। गोल्डन करना है, हमारी फ्लेम अभी भी स्लो है, जो हमारा ये पानी निकल रहा है चिकन का, हम इसी के ऊपर ऐसे लगाएंगे, घी भी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, ये बड़ा जूसी चिकन बनेगा हमारा। इस तरह से इसके ऊपर ऐसे डालते रहे, इसका घी जितना भी मिक्सचर है, इसका जितना भी पानी निकल रहा है, मसालों का, दही का, ये इसी के ऊपर वापस आ जाएगा। इसी तरह बड़े ध्यान से करते रहिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमने इस पैन की फ्लेम मीडियम कर दी है, हमारा चिकन अच्छे से सारा पकने लगा है। हमने अब इसके ऊपर लीड ढक देंगे, थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे, 10 मिनट बाद देखते हैं हमारा चिकन किस तरह से गल जाएगा। हमारा चिकन जो है गोल्डन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा अच्छे से गल भी चुका है, हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी देर में हम अपने
गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब अपनी इस फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई के अंदर ग्रेवी बनाएंगे। गैस ऑन करेंगे, थोड़ा सा अपनी कढ़ाई को हीट देंगे। हल्की ही हमने हीट दी है अपनी कढ़ाई को। कसूरी मेथी जो है हम इसमें के अंदर डालेंगे और थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। हल्का हल्का ही रोस्ट करें कसूरी मेथी को, इसकी खुशबू बस अच्छे से आ जाए। हम इसलिए रोस्ट करते हैं। हम अपने कसूरी मेथी इसलिए रोस्ट करते हैं क्योंकि इसके आजकल के घरों में धूप नहीं आती, करारी नहीं होती, इसमें खुशबू नहीं आ पाती है, इसलिए हम इसको बिल्कुल खाली कढ़ाई में हल्के से रोस्ट कर लेते हैं। हमारी कसूरी मेथी रोस्ट हो चुकी है, अब इसको हम रख देंगे। इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे। थोड़ा सा हीट अप करेंगे अपने घी को। हमारा घी गर्म हो चुका है, स्लो फ्लेम है हमारी। अब इसके अंदर जो हमने कोकोनट, बादाम और पांचों मगज डाले का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डालेंगे। हमारा पेस्ट अच्छे से भुनने लगा है, अब हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। हमें बिल्कुल फ्रेश क्रीम चाहिए अपने इस रेसिपी के लिए, हमने एक क्रीम ली है। इसको अच्छे से इसी क्रीम के अंदर मिक्स कर लेंगे, अपनी फ्लेम मीडियम दोबारा कर लें। जो काली मिर्च थी हम वो डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी में। आप इस ग्रेवी को बटर में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, जिसमें आपका दिल जाए उसमें बना सकते हैं। जो हमारे ये पीसेस थे चिकन के हम धीरे धीरे इसके अंदर डाल देंगे। अपनी फ्लेम मीडियम ही रखें। अच्छे से मिक्स करना है हमें। अब जो हमारी बची हुई क्रीम थी हम इसको भी इसी में ऐड कर देंगे।
ये हमारी जो बची हुई क्रीम है हम इसी के अंदर ऐड करना है इसे। अपनी फ्लेम मीडियम रख कर लें दोबारा और ये जो चिकन और क्रीम है इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कसूरी मेथी को ऐसे हथेली पे लेंगे, ऐसे कढ़ाई में डाल देंगे। दही लेके दही इसमें ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ हम इसके ऊपर मैट रखेंगे गैस ऑन करके, उस पर एक कोयला रख देंगे। इतनी हीट कर लें कि कोयला अच्छे से जल जाए। हमें इस ग्रेवी को स्मोकी बनाना है। जैसे बाहर की ग्रेवी आती है बिल्कुल टेस्ट वही हो जाएगा, आप स्मोकी करने के लिए कोयला जरूर जलाएं। अब हमारा अफगानी चिकन तैयार हो चुका है, हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे डिश आउट भी कर लेते हैं। हमने इसे डिश आउट कर लिए है, अब हम एक कटोरी लेंगे। तो काट दे। अब हमने जो हो गया हमारा को हम इसके अंदर रखेंगे कटोरी, इसमें रखेंगे कोयला। एक चम्मच घी डालेंगे और स्मोक करने के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे। हमने ये स्मोक करने के लिए रख दिया है, हम पूरे 10-15 मिनट बाद इसको ओपन कर लेंगे ना, तो अब इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्मोक का टेस्ट आ जाएगा। अब हमने इसको स्मोक दे ली है, अब हम इसे कटोरी निकाल देंगे। हमारा चिकन रेडी हो चुका है, अब इसको रख के हम कभी भी खा सकते हैं माइक्रोवेव कर ले। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।